कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शनिवार को मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया। इस अवसर पर दुनिया भर से पीएम मोदी को बधाइयां मिल रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखकर पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी नाम का मंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के हृदय में बसा हुआ है। जहां भी जाओ, देश विदेश में या प्रदेश में, हर जगह आपको मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ते हैं। ये मंत्र हम सबके हृदय को एक नई ऊर्जा से भर देता है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है। जब हम प्रेम से कहते हैं मोदी मोदी मोदी, तो इस महान नेता के लिए हमारे हृदय के अंदर जो अनन्य प्रेम है उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन मोदी केवल एक नाम नहीं है, मोदी नाम में भी एक मंत्र छुपा है, एक संदेश छुपा है। मोदी जी के नाम का पहला अक्षर है एम। एम से मतलब मोटिवेशनल, मेहनती। वो अपने इस महान देश को महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अनथक परिश्रम, घनघोर परिश्रम करते हैं और हम सबको मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपने देश के विकास के लिए अनथक परिश्रम करें। मोदी के नाम का दूसरा अक्षर है ओ, मतलब ओजस्वी, अपॉर्चुनिटी। मोदी जी हमारे ऐसे नेता है जो भारत में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं और उसको निखारने का सदैव प्रयास करते हैं। कोरोना की चुनौती को उन्होंने अवसर के रूप में बदल दिया। मोदी जी के नाम का तीसरा अक्षर है डी, मतलब दूरदर्शिता, डायनेमिक लीडरशिप, डेवलपमेंट। मोदी जी की दूरदर्शिता उनकी डायनेमिक लीडरशिप का ही प्रमाण है जो भारत को डेवलपमेंट के रास्ते पर तेजी से ले जा रही है। केवल देश नहीं, पूरी दुनिया उनको विकास पुरुष के नाम से पहचानती है। मोदी जी के नाम का चौथा और आखिरी अक्षर है आई, मतलब इंस्पायर, इच्छा शक्ति। और इंडिया, मोदी जी हमारे ऐसे नेता है जो भारत को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको इंस्पायर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।